So, अभी स्नोफॉल बहुत ज्यादा तेज हो गया है, ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो एयर, मतलब ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में पहाड़ है। ब्रीदिंग का इशू या कुछ तो आ सकता है क्योंकि, और आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए ये है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम ले। आज हमारा ले में लास्ट डे, हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे खारदुंगला होते हुए न्यूब्रा वैली। बहुत ही खूबसूरत है न्यूब्रा वैली, श्योक रिवर, न्यूब्रा रिवर मिलती है वहाँ पे। और हमारा सामान सारा पैक हो चुका है, ब्रेकफास्ट आ गया। इससे पहले ब्रेकफास्ट ठंडा हो, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम पहुंचेंगे खारदुंगला, जो कि है यहाँ से अप्रॉक्स 39 किलोमीटर। उसके बाद फिर जाएंगे न्यूब्रा वैली। आज बहुत लॉन्ग राइड नहीं है, बहुत खूबसूरत राइड है। फाइनली ऑल सेट टू लीव। हमारी दोनों बाइकों पे सामान लोड हो गया और सबसे बड़ा टास्क होता है सुबह सामान लोड करने का, वो हमने कर लिया। और यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे टैंक फुल कराएंगे, टैंक फुल कराने के बाद फिर निकलेंगे खारदुंगला के लिए, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। पहले ये हाईएस्ट था बट अब सेकंड हाईएस्ट हो गया। यहाँ से निकलने के बाद मैं ले को मिस करूंगा क्योंकि यहाँ के नज़ारे, यहाँ का कल्चर, यहाँ की बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत ज्यादा पसंद आई। एक चीज जो आपको अभी नहीं लग रही होगी वो है ये फ्लैग, ये मैंने बांध दिया यहाँ पे क्योंकि लेह लद्दाख आए और इस तरह का फ्लैग ना लगाए तो मजा नहीं है। अब यहाँ से अपने को सबसे पहले पेट्रोल डलाना है बाइक में। और माउंटेन्स देखो, ऊपर स्नोफॉल हो रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खारदुंगला में भी डेफिनेटली अपने को स्नोफॉल मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं सामने, स्नो माउंटेन्स और बाकी तो लद्दाख की ये पहचान ही है, इस तरह के रॉक माउंटेन्स। ये चौक लेह की पहचान है, जब भी आप लेह में एंटर करेंगे सबसे पहले यही मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे अपने को टैंक फुल कराना है। ओह माय गॉड, पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा भीड़ है एज यूजुअल। सो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नोएडा दिल्ली में अप्रॉक्स 100 है, कारगिल में 102 था, यहाँ पे 107.22 है। देखते हैं कितना पीती है ये, कितना हुआ 869। ये लीजिए टाइम हो रहा है 11 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं वही देख रहा था किधर हो। चलो चलो, वाह क्या नज़ारे, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से, एक बहुत ही अच्छा गेट पड़ने वाला है, वो कुछ चाइनीज लुक में है जैसा आपने देखा होगा, या तिब्बतियन कह सकते हैं, नॉट चाइनीज। और उससे हम एंटर करके आगे जाएंगे खारदुंगला और अपनी डेस्टिनेशन पे, आज की डेस्टिनेशन पे। इंडिया इतना बड़ा और इतना वास्ट है कि अगर घूमने वाला यहाँ पर ही घूमे ना तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, तब भी कवर नहीं कर पाएगा। बट होता क्या है, जॉब के चक्कर में ना कंटिन्यू लीव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बहुत प्लान करना पड़ता है। मैंने अप्रॉक्स 6 to 7 months कोई लीव नहीं ली थी, तब जाके ये लद्दाख का ड्रीम पूरा कर रहा हूँ। ये है वो गेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम यूनिक है। और उसके बाद ये है सामने के नज़ारे, सामने लिखा हुआ 39 किलोमीटर खारदुंगला और दीक्षित है 118 किलोमीटर। तो लेह है अप्रॉक्स 14,000 फीट की हाइट पे और खारदुंगला है 18,000 फीट की हाइट पे, यानी कि विद इन 39 किलोमीटर हमको अप्रॉक्स 4,000 फीट की हाइट को इंक्लाइंड वे में चढ़ना है। कहा जाता है खारदुंगला पहुंचने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे है तो वहां पर कई बार ऑक्सीजन कमी के इश्यूज आते हैं। चलते हैं अपन देखते हैं। ले लद्दाख चेक पोस्ट है, दिखाना क्या है, पर्सनल है। हाँ अंदर रखती है, हमारी खुद की बाइकें हैं, लाइसेंस वाइसेंस दिखा सकता हूँ, प्रूफ कर दीजिए। लो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट इन द सेंस इस तरह नहीं चेक हो रहे हैं, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं बाइक आपकी है या नहीं है। और इनका ये कहना है कि अगर बाइक आपकी नहीं है तो आप यहाँ से रेंट करके बाइक लीजिए तभी ऊपर जाने दे रहे हैं, या तो आपकी खुद की बाइक हो या फिर यहाँ की रेंटेड बाइक हो। किसी और की बाइक, किसी फ्रेंड की या किसी और की बाइक लेके आप यहाँ आगे नहीं जा सकते। फिलहाल यहाँ से पूरा लेह सिटी नीचे है और सामने देखिए पहाड़ों पे। जगह जगह पॉइंट पर लोग रुक रुक के फोटो क्लिक करा रहे हैं, ये जगह ही ऐसी है, जर्नी को एंजॉय करके बेसिकली चले, मेरा ये कहना है। और काफी ठीक ठाक शार्प टर्न्स भी हैं, बट अच्छी चीज ये है कि खारदुंगला से इधर की तरफ आनी हुई व्हीकल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। उसका रीजन यही होता है कि जो भी लोग यहाँ से आगे जाते हैं वो फिर न्यूब्रा वैली से मोस्टली लोग पेंगोंग जाते, पेंगोंग से खारू होते हुए निकलते हैं। सो इसकी वजह से इधर आने वाला ट्रैफिक बहुत कम रहता है। आगे हमें मिलेगा नॉर्थ पुल्लू, और नॉर्थ पुल्लू
में परमिट चेक होगा। एक्चुअली क्या था, जब से इनर लाइन परमिट गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए बंद किया है तब से मुझे नहीं पता कि वहाँ पर चेक होता है कि नहीं, बट उससे पहले जब इनर लाइन परमिट सबके लिए था, इंडियंस के लिए भी फॉरनर्स के लिए भी, तब वहाँ पर चेक भी होता था और एक हार्ड कॉपी सबमिट भी होती थी। यहाँ पर क्या है, कभी आपको धूप मिलेगी कभी छांव, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए, इसीलिए हमने पहले से ही प्रॉपर गियर पहन लिए। उधर से नीचे से हम लोग आ रहे हैं और कंटिन्यू आप देखेंगे इंक्लाइंड ही जा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि डिक्लाइन गए हो, हर जगह बस इंक्लाइन, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड डिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाइट में कवर करना होता है। मोस्टली गाड़ियां जो अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई मिल रही है वो इंडियन आर्मी के बहुत ही लिमिटेड है जो ट्रांसपोर्टेशन की है, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई व्हीकल अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। जय हिंद की सेना जा रही है, बहुत लंबा कारवां है, बहुत सारे आर्मी के ट्रक निकले। कैब भाई ने विक्ट्री का साइन दिया तो वो विक्ट्री का दिखा रहे थे, मैंने सल्यूट किया तो वो सल्यूट कर रहे थे। और जो फीलिंग इनके लिए है वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए इंसान की लाइफ में होती है। हाँ हाँ, बहुत लंबा कॉन्वे था। सो अभी आने के बाद नॉर्थ कुल्लू 6 किलोमीटर बचा हुआ है और बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत सारे ट्रेवलर्स यहाँ पे रुक के फोटो क्लिक करा रहे थे तो हम भी 2 मिनट के लिए रुक गए, कुछ फोटो क्लिक कराएंगे। और आगे आप देखेंगे वो पूरा लेह सिटी है, पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और मई जून में अगर आप यहाँ पे आते हैं ये पूरे पहाड़ स्नो से कवर्ड रहते हैं, बट अभी क्या है काफ़ी टाइम हो गया इसलिए स्नो नहीं है, लेकिन 1-2 महीने बाद यहाँ पे पूरा स्नो आ जाएगा, स्नो से पूरे पहाड़ कवर हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ पे देखो शेडो पड़ रही है, ये ओपन है और ये है सैंड माउंटेन्स और आगे है रॉक माउंटेन्स, ले सिटी सामने स्नो माउंटेन्स, खूबसूरत क्लाउड्स, बहुत अच्छा व्यू। अब फोटो क्लिक कराते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए नॉर्थ कुल्लू पे और ये नॉर्थ कुल्लू में सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स चेक होती हैं, पहले ऐसा ही होता था, अभी जाके देखते हैं क्या क्या है, बट जिस हिसाब से लोग रुके हुए हैं डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें चेक हो रही हैं। और भाई देखो सामने छाया धूप, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मज़ा आ गया। लद्दाख रेस्क्यू सेंटर ऑक्सीजन कैफे, ओ माय गॉड, हैंग हो गया था गोप्रो। ये बताओ यहाँ कुछ चेक हो रहा है क्या? मैंने एंट्री कर दी है। अगर मान लीजिए आप खारदुंगला पे हैं, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर मेडिकल कैंप भी बना हुआ है, सियाचिन वॉरियर का बोर्ड लगा है। खारदुंगला अब बचा हुआ है यहाँ से 14 किलोमीटर और यहाँ से सियाचिन भी बहुत पास में है। ये जो कार यहाँ पे खड़ी है ये सारी वो कार है जो ये देखिए XUV 700 है। सो होता क्या है कि जब किसी भी गाड़ी को लॉन्च किया जाता ना तो वो ऐसे ट्रेन में चेक की जाती है। इनको यहाँ पर चेक करने का मेन रीजन क्या होता है कि अगर ये सिटी वगैरह में करते हैं तो वीडियोस बहुत ज्यादा बनते हैं, चीजें लीक हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है लोगों का, इसीलिए यहाँ पर इनकी टेस्टिंग होती है। इस तरह का टफ रोड कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से थोड़ा अच्छी टेस्टिंग हो जाती है। अभी थोड़ा सा आगे ही बढ़ पाए थे और बहुत तेज ठंड लगने लगी है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। कल रात में खारदुंगला का टेम्परेचर देखा तो -4 डिग्री था, तो ऊपर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। और मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, प्लीज ड्राइव केयरफुली, इसीलिए 1 मिनट के लिए रोक के आपको एक बार एक व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो ये है नॉर्थ कुल्लू और वहां से ये सारे रूट चढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ पे आए और अचानक से ठंड यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। माय गॉड व्हाट अ व्यू, मतलब ऐसा लग रहा बादलों के बीच में पहाड़ है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट 1K अप्रोक्स टेम्परेचर होगा, ब्रीदिंग का कोई खास इश्यू नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, वाटर है, नीचे गिर रहा है तो वो स्नो बन गया है। बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, धीरे धीरे पहले के कंपैरिजन में स्नो तेज हो रही है। ओह माय गॉड, वाटर प्रूफ करके ही बढ़ते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ना अपन स्पीड नहीं बढ़ा सकते बहुत ज्यादा, ठीक है। सो बेटर ये रहेगा कि हम लोग माइक हटा दें, लेकिन यार बहुत तेज आ रही है साला, मुझे तो वाइजर भी खोलना पड़ रहा है। वाह यार बहुत तेज हो गई स्नोफॉल तो, वाह, नाउ वी आर एट खारदुंगला। इससे खूबसूरत एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं हो सकता कि खारदुंगला पे आप आए और आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए। ये है वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिंदगी में इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। मजा आ गया यहाँ पे आके, वहां पे तो भीड़ तो बहुत है यार और सामने का नजारा देख के लग रहा है बहुत तेज स्नोफॉल। अभी वहाँ फोटो क्लिक करा रहे थे, इतनी देर में ये देखो स्नो आ गई इस पे, मजेदार।
और ये है आइकॉनिक बोर्ड खारदुंगला का, सब लाइन लगी हुई है फोटो वहाँ क्लिक कराने के लिए। बहुत खूबसूरत व्यू है यार, ऊपर माता का मंदिर है, छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं आर्मी के। और मुझे लग रहा था कि खारदुंगला पहुँचने के बाद हो सकता है कुछ ब्रीदिंग का इशू या कुछ तो आ सकता है, क्योंकि जब कोविड हुआ था उस समय बहुत तबीयत खराब हुई थी, पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से कोविड होने के बाद अप्रोक्स 45 डेज तक मुझे ब्रीदिंग इशू रहा था, क्योंकि सेकंड वेव में हुआ था, इसलिए ऑक्सीजन बॉटल लेके आया था। मैंने कहा इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लूंगा, बट थैंक्स टू गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, इधर उधर भी जा रहा हूँ, फोटो क्लिक करा रहा हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हम लोग सचपास गए थे, अगर आपने सचपास सीरीज नहीं देखी तो एक बार देखिए, सचपास वाला वीडियो देखिए। तब हम वहाँ पे पहुंचे थे, 14,000 कुछ की हाइट पे था और वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड कहते हैं। वहां पर जाके जो फीलिंग आई थी वो भी कुछ इस तरह की थी, लेकिन लाइव स्नोफॉल नहीं था, मजा बहुत आया था, बट यहाँ आके दिस इज यूनिक, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज बेस्ट। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो एयर। सो अभी स्नोफॉल बहुत ज्यादा तेज हो गया है, ये देखो अभी सारी फ्रेश स्नो है और कैब भाई का लाइन में लगे हुए अपनी फोटो क्लिक हो गई है। तो ये खारदुंगला, ये कैफे, यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे। फ्लैट के कंपैरिजन में थोड़े से रेट ज़्यादा है, बट यहाँ के कंपैरिजन में रेट कम समझो, क्योंकि इतनी हाइट पे आके इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय मिल जाए तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद, यहाँ पर चाय पीने के बाद, फ़ोटो क्लिक कराने के बाद, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ऑक्सीजन लेवल जो मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात, पहले हमें स्नोफॉल मिला, अब क्लाउड्स एकदम क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा था पहाड़ों पे कोई भरोसा नहीं मौसम का, क्या खूबसूरत मौसम है और ठंड भी नहीं लग रही, अब टेम्परेचर ठीक ठाक है। स्नोफॉल जब हो रही तब बहुत तेज ठंड लग रही, जब हम ऊपर चढ़ रहे तब ठंड लग रही थी, अभी मौसम बहुत अच्छा है, और थोड़े से फट रखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और नहीं पसंद आ रहा तो भी मुझे बता दें। अब चलते हैं आगे, आपसे आगे मिलते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर रुक लिए। बाय बाय खारदुंगला।